What if I say Chrome is finally getting the ability to take proper incognito screenshots? So, hello everyone and welcome back to our channel, Tech and News. And in today's video, we will talk about some goofy facts about the incognito mode screenshot. So, without wasting a further minute, let's get into the video. स्क्रीन हम बहुत आसानी से हम बाद में याद रखने के लिए या दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए ले सकते हैं पर कभी कभी हम स्क्रीन लेना आसान समझते हैं लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जहाँ पे स्क्रीन लेने में मुश्किल होती है लेकिन गूगल क्रोम आपको स्क्रीन लेने और शेयर करने में आसान कर रहा है टेक्निकली आमतौर पर जब आप इनकॉगडिकटो मोड पर स्क्रीन लेते हो तो आपको सिर्फ़ एक ब्लैंक स्क्रीन दिखती है जिसमें कुछ भी नहीं होता लेकिन इस नए फीचर को इनेबल करने से अब आप इनकॉग्नेटिव मोड की स्क्रीन को भी आसानी से कैप्चर कर सकते हो इसके लिए किसी भी क्रिएटिव अराउंड की ज़रूरत नहीं होगी एंड्रॉड एक्सपर्ट मिशे रहमान ने इस फीचर को समझाया है विद अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस पहले के रेस्ट्रिक्शंस को यूआई डिज़ाइन और प्रिवेसी को मेंटेन करने के लिए लगाया गया था अब इस नए सिस्टम के साथ इनकाग्नेटो टैब के कंटेंट को आप अपने रीसेंट ऐप्स में स्क्रोल करते समय स्क्रीन पर नहीं देख पाएंगे ये प्रिवेसी को बचाने के लिए किया गया है लेकिन आप मैन्युअली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस अमेजिंग फीचर को खुद टेस्ट करने के लिए क्रोम कैनरी इंस्टॉल करें और इंप्रूव्ड इनकाग्नेटो स्क्रीनशॉट फ्लैग्स को सेट कर सकते हो जैसे कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया आप आसानी से इनकाग्नेटिव मोड की स्क्रीन्स को कैप्चर कर सकते हो और उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो सो आई होप दिस वीडियो was हेल्पफुल एंड informative फॉर यू guys एंड दैट इज़ इट फॉर today's वीडियो एंड इफ़ यू want टू be updated विद लेटेस्ट टेक न्यूज़ every day, then डोंट forget टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू our चैनल टेक न्यूज़